students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to the St. Angels online classes. In this video, we are going to discuss a topic, meiosis. It is also a part of cell division. In the previous video, we have discussed about mitosis. In class 9th, in chapter, the fundamental unit of life, cell. Okay students, just open your book and reach page number 34. In that page, there is a topic, meiosis. Okay students, let's start. Meiosis. This type of cell division is found only in sexually reproducing organism. Sexually reproducing organism means kya hota hai? Sexually reproducing organism. Sexually reproducing organism means hota hai beta ki jaise aapka animals ho gaye, animals mein bhi kya hoga, human body, jaise humans ho gaye, dog ho gaye, these are the examples of sexually reproducing organism, humans, dogs. It is generally used to produce special reproductive cells called gametes, which on fertilization give rise to the organism. अब देखिए कि sexual reproduction में होता क्या है, अगर बात करें इसमें sexual reproduction में तो क्या होता है, sexual reproductive cells create होती हैं, sexual reproductive सेल्स. ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी, जैसे अगर मेल बॉडी की बात करें, पहले मेल की बात करते हैं, तो मेल बॉडी में क्या होता है, गैमेट्स क्रिएट होते हैं. और ये गैमेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्पर्म. एंड बात करें अगर फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, गैमेट्स क्रिएट होते हैं. एंड ये जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होता है, ओवम. ओवम मीन्स क्या होता है, एग. दीज आर गैमेट्स. जब दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है देन फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर आपका क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. इन मियोसिस अ मदर सेल गिव राइज टू फोर सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. इफ अ मदर सेल कंटेन क्रोमोजोम्स इट विल फॉर्म फोर सेल्स विद 23 क्रोमोजोम्स ईच. ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम दिस इज़ अ पेरेंटल सेल मदर, दिस इज़ अ पेरेंटल सेल मदर एंड दिस सेल इज़ गोइंग टू परफॉर्म सेल डिवीज़न. इन सेल डिवीज़न दिस क्रोमेटिन मटीरियल डिवाइड एंड मेक क्रोमोजोम्स. इफ दिस क्रोमोजोम्स या इफ दिस सेल हैव 46 क्रोमोजोम्स, नाउ दिस सेल डिवाइड अगेन एंड क्रिएट फोर डॉटर सेल्स. सबसे पहले वाली जो सेल है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड एम वन. एम वन मीन्स ये टू डॉटर सेल क्रिएट करती है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट वाली जो डॉटर सेल है वो क्रिएट करेगी टू डॉटर सेल एंड जो नेक्स्ट वन है वो भी आपकी टू नई डॉटर सेल क्रिएट करेगी एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय एम टू एंड एम टू. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मदर सेल में अगर 46 क्रोमोजोम्स हैं तो अगर हम बात करें जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे वो क्या होते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं. यानी कि इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे क्रोमोसोम्स और इसमें भी 23 और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है. डिवाइड भी कह सकते हैं इसको या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है. क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं. और जीन्स क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को या पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं.
दीज आर जीन्स। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें द कलर ऑफ आइरिस, आइरिस क्या होता है बेटा, ये आई का कलर होता है, ऐसे मान लो कलर ऑफ आई, आई का जो कलर है, अगर पेरेंट्स का ब्लैक है तो उनके चिल्ड्रंस का भी क्या होगा, कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। अगर ब्लैक है, अगर चिल्ड्रंस के आई का कलर भी ब्लैक है और पेरेंट्स के आई का कलर भी ब्लैक है, इसका मतलब कि जो जीन जो कलर ऑफ आई को रखता है वो जीन पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र हुआ है। नाउ दिस डिवीज़न इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूशनल डिवीज़न। रिड्यूशनल डिवीज़न मींस क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं, तो दैट मींस दिस इज कॉल्ड रिड्यूशनल डिवीज़न। नाउ मियोसिस इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स M1 एंड M2, यानी ये क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स होते हैं। जो मैंने आपको बताया था अभी पहले M1 एंड M2, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स का मतलब होता है पहले M1 होगा, M1 के बाद फिर M2 होगा, ऐसा नहीं होगा कि M2 पहले हो जाएगा M1 बाद में होगा, ये एक सीक्वेंस वाइज होता है, पहले M1 होगा उसके बाद फिर M2 और नेक्स्ट M2 क्रिएट होगा। दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स, यानी ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ जीन्स का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं बिटवीन द क्रोमोसोम्स टू ब्रिंग सम जीन चेंजेस। यानी कहने का मतलब इसमें जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज भी हो सकते हैं। जीन्स कैसे हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं, एक्सचेंज को, और अगर नॉर्मली बात करें तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम में जो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज जीन्स, दिस इज आल्सो जीन्स, ये जीन्स आपके क्रॉस भी हो सकते हैं, यानी क्रॉस ओवर, यानी कि ये क्रॉस भी हो सकते हैं। जैसे दूसरा क्रोमोसोम ये रहा जो जीन्स को कैरी करता है, ये इस पे जीन्स प्रेजेंट है, ये जीन्स है इस पे, ये क्या हो सकते हैं, क्रॉसिंग हो सकती है इनकी, यानी कि ये वाला जीन इस पे जा सकता है और इसका जीन इस पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी क्रॉसिंग ऑफ जीन्स भी किस में होती है, जस्ट मियोसिस में, मियोसिस में ही आपकी क्रॉसिंग ऑफ जीन्स भी पॉसिबल है।